नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायराकी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। और कैसे हैं आप लोग जी? आज की कहानी बड़ी मजेदार कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी और बहुत बड़े आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे जो अभी तक आपको नहीं मिल रहे थे। एक बार एक गोकुल के अंदर शिक्षा दीक्षा चल रही थी, कई सालों से चल रही थी, लेकिन आज शिक्षा और दीक्षा का आखिरी दिन था। तो गुरु जी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोला कि आओ, और आज तुम्हारी शिक्षा का जो है वो आखिरी दिन है, अपने घर जाने के लिए तैयारी करो। सारे जो बच्चे थे वो बड़े ही एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें अब घर जाना था बहुत वर्षों बाद। गुरुजी ने बुलाया, खुले मैदान में आवाज़ आई, सारे स्टूडेंट्स खुले मैदान में इकट्ठे हो जाओ। सारे बच्चे फटाफट से खुले मैदान में इकट्ठे हो गए। तो गुरुजी ने कहा, आज तुम्हारी शिक्षा का आखिरी दिन है, तुम गोकुल छोड़कर जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़ी शिक्षा दूंगा। और एक दौड़ करेंगे, हम दौड़ेंगे मैदान में, और दौड़ते दौड़ते एक सुरंग आएगी, उस सुरंग को पार कर कर जो मेरे पास आएगा वो जीत जाएगा। क्या करोगे? सारे जितने भी वहाँ पे शिष्य थे सबकी एक ही सुर में आवाज़ आई कि हाँ करेंगे, और सब दौड़ने भागने लग गए, तेजी से दौड़ने लग गए। कोई साथ दौड़ रहा था, कोई हाथ पकड़ कर दौड़ रहा था, कोई अकेला दौड़ रहा था, किसी को जीत का भूत था। खैर, रास्ते में पानी आई, नदी आया, खुला मैदान आया, सड़कें आई, पार्क आया, सब भागते भागते अंत में उस गुफा में पहुंच गए जहां बिल्कुल घनघोर अंधेरा था। गुफा के अंदर जैसे ही सारे शिष्य पहुंचे, उनके पैरों में कंकड़ चुभने लग गए, उन्हें बहुत तकलीफ होने लग गई, लेकिन सब चलते चले गए। उसमें से कुछ लोग कंकड़ उठाकर अपनी जेब में रखने लग गए कि पीछे जो लोग आ रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उनके लिए रास्ता साफ हो जाए। तो कोई कंकड़ को पैर मारकर आगे की तरफ चलता गया। पैरों में चोट भी लग रही थी, दर्द भी हो रहा था, पर गुरु ने कहा था तो सब दौड़ भाग कर पहुंच रहे थे। अंत में सब गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा, अनुभव कैसा रहा? तो कुछ शिष्यों ने बताया, गुरुजी ठीक रहा, पानी में तो बड़ा सही रहा, घास पर भी आनंद था, सड़क पर भी ठीक था, पर गुफा के अंदर अंधेरा बहुत था और पत्थर चुभ रहे थे, कंकड़ किसी ने तो पैर से फेंक दिए, कोई कंकड़ों की चुभन में चलता गया, किसी के पैर में चोट लग गई, किसी ने कंकड़ उठाकर अपनी जेब में रख लिया। गुरुजी ने कहा, वो शिष्य आगे आए जिन्होंने कंकड़ उठाकर अपनी जेब में रख लिए। उसमें से केवल 5 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने कंकड़ उठाकर जेब में रख लिए। गुरुजी ने कहा, इन्हें बाहर निकालो। जब उन्होंने जेब से कंकड़ को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि वो कंकड़ नहीं बल्कि हीरे थे, और हीरों को देखकर सारे ही शिष्य आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे। गुरुजी ने कहा, ये तुम्हारी गोकुल की आज आखिरी शिक्षा थी। जब तुम संसार में चलते हो और परोपकार की भावना करते हो, जैसे कि इन 5ों ने किया कि इनको उठाकर कंकड़ों को जेब में रख ले ताकि पीछे जो लोग आ रहे हैं उन्हें चुभे नहीं। कुछ लोग थे जिन्होंने किनारे पर फेंक दिया, कुछ लोग थे जो जैसे थे वैसे चलते ही चले गए, लेकिन ये सारे हीरे इन 5 शिष्यों को मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा तुम मुझे दोगे, लेकिन मैं तुम्हें आज गुरु की तरफ से ये दीक्षा और ये कंकड़ भेंट स्वरूप देता हूँ। और ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ज़िंदगी में क्या होता है, जब हम परोपकार की भावना करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए हेल्प करते हैं, किसी के लिए सोचते हैं, तो हीरा रूपी जीवन हमें मिलता है, हीरे हमें मिलते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, इस शिक्षा, इस कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा आपको ये मिलती है, जब भी आप संसार में चलें, अपने लिए ना जिए, औरों के लिए जिए। अपने लिए सब सोचते हैं, औरों के लिए सोचें कि पीछे जो लोग आ रहे हैं उन्हें कंकड़ चुभेंगे, चलो उनकी मदद कर देते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं, तो आपको रिटर्न में हीरे मिलते हैं, हीरा रूपी भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो क्या आपको भी अपने जीवन में हीरे चाहिए? तो जो भी कमाते हैं उसमें से दान करें, परोपकार की भावना रखें, मान सम्मान करें और दूसरों के बारे में सोचें। जो इंसान दूसरों के बारे में सोचकर अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने जीवन को चलाता है, उसको ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर मिलती है, उसको ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत ज़रूर मिलता है, उसको भगवान के आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद के रूप में हीरे मिलते हैं। अब सोचिए, क्या आप जिए जा रहे हैं अपने परिवार के लिए? क्या आप जिए जा रहे हैं अपने लिए? क्या आपने कभी भी एक बार भी सोचा कि चलो परोपकार की भावना करते हैं, खाने से पहले किसी को खिलाते हैं? और अगर आप ऐसे हैं तो हीरे आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जय माता दी।